हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। एक टाइम था जब विशाल भारद्वाज को बोला जाता था कि क्या मूवी बनाते हैं ये। आज भी बहुत से लोग उनकी कला का प्रशंसा करते हैं और उनको गाने का भी शौक है, हालांकि गायकी की इतनी बढ़िया नहीं है, बट पिक्चरें अच्छी बनाते हैं मुझे ऐसा लगता है। और नाम भी अटपटे रखते हैं, कमीने, कुत्ते। और कुत्ते का एक मतलब मैं कोई अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब नाम ही कुछ ऐसा तो क्या कर सकते हैं। तो कुत्ते का आया है भाई साहब, एक टीजर पोस्टर ही बोल सकते हैं, जिसके अंदर पोस्टर्स जो हैं सात लोगों के ऐसे शफल हो रहे हैं और जिस भी इंसान का आ रहा है फोटो, जिस भी एक्टर का आ रहा है, वो एक डायलॉग भी मार के जा रहा है और काफ़ी इफेक्टिव है वो। आई थिंक ये जो राइटिंग है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी दिखने वाली है, क्योंकि गुलजार साहब भी हैं इसके अंदर जुड़े हुए, विशाल भारद्वाज भी हैं। और मेरे ख्याल से अगर किसी एक्टर को कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर एक ऐसा चांस दे दे कि उसका जो स्पार्क है वो जेन्युइनली हमारे साथ कनेक्ट कर जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने इश्क ज़ादे के साथ बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन कपूर के साथ कनेक्ट किया, मुझे लगता है कि कुत्ते भी कुछ इस तरीके की मूवी होगी जिससे हम फाइनली उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे एज ऑडियंस। बीच में उसकी कुछ मूवीज आई हैं जिसमें जेन्युइनली हम उसके साथ कनेक्ट करे भी हैं, संदीप, पिंकी, फरार वगैरह ऐसे बीच में आई हैं जो हमें अच्छी लगी हैं। और यहाँ पर भी उसकी एनर्जी अच्छी लग रही है, बोलता है अगर सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए अगर आपने तो अपने आप को गोली मार ले। नसरुद्दीन शाह आते हैं, वो अपना एक इस तरीके का स्ट्रांग डायलॉग मारते हैं। टब्बू मारती है, रश्मिका मंदाना मारती है, फिर काफ़ी सारे और एक्टर्स आते रहते हैं जो इस तरीके के जुमले मारते रहते हैं। तो वो जुमले जो हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, राइटिंग बहुत कमाल की होने वाली है, डायलॉग जिसके हाईलाइट रहेंगे। और बहुत कुछ जो है यहाँ पर कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि एक हड्डी है जो सात लोग उसके ऊपर पड़ गए हैं, वो हड्डी यानी मैटर क्या है और उस मैटर के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर जो है सॉल्व करना है। और ये उलझेगा भी, सुलझेगा भी और काफ़ी अजीब तरीके से होगा। सारे पोस्टर भी बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। टब्बू का जो पोस्टर है वो काफ़ी हद तक दृश्यम वन जैसा लगा मुझे थोड़ा सा, तो न्यूनेस इतनी ज़्यादा नहीं लगी, बट बाकी सबके जो रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे फॉर श्योर। विशाल भारद्वाज का नाम ही बहुत है मेरे लिए तो खैर मूवी को देखने के लिए। और देयर आर सम डायरेक्टर्स हु नो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द आर्टिस्ट। विशाल भारद्वाज मुझे उस तरीके के लगते हैं कि वो अपना विजन इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं और लोग भी उनके जो विजन के अंदर इतना समर्पित हो जाते हैं छोटू से कि वो बेस्ट देना चाहते हैं। तो ये उसी तरीके की मूवी मेरे ख्याल से साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी वी विल सी कैसे ये टर्न अप होती है थिएटर्स के अंदर जब ये रिलीज होगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो कमाल ये करेगी, कुछ ना कुछ वेव्स तो ये क्रिएट करेगी, नहीं तो रोने धोने वाले लोग तो आ ही जाएंगे। कुछ शोर नहीं मच रहा होगा तो वो शोर मचाने यहाँ पर आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ रोने तो आ ही जाएंगे। फिर देन वी विल से बॉयकॉट द बॉयकॉट गैंग। बाय बाय।